दोस्तों, अगर आप एक नथिंग फोन यूजर है तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि नथिंग अपने नथिंग फोन वन यूजर के लिए नथिंग ओएस 1.5 का एंड्रॉयड 13 पर बेस्ट बीटा अपडेट लेकर के आ चुका है। यह कुछ ही दिनों के बाद हम सब नॉर्मल यूजर के लिए अवेलेबल होने वाला है, यानी कि एंड्रॉयड 13 का अपडेट प्लस में नथिंग ओएस 1.5 का अपडेट अब आपको मिलने ही वाला है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस नथिंग ओएस 1.5 जो कि एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है, इसमें क्या कुछ नए फीचर देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ नए बदलाव आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ नथिंग ओएस 1.5 जो कि बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 13 के की फीचर। तो सबसे पहला है न्यू वेदर ऐप। यहाँ पर काफ़ी कस्टमाइजेशन के साथ वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम का यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है, जिसमें कि अलग अलग वॉल्यूम को आप मैनेज कर सकते हैं। ब्लूटूथ पॉपअप विंडो मिलने वाला है, यहाँ पर आप ब्लूटूथ को काफ़ी जल्दी स्विच वगैरह कर सकते हैं। और इसी के साथ ऐप लोडिंग आपको 50% तक का बढ़ जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा होगा कि ऐप कितना जल्द यहाँ पर अब लोड हो रहा है नए यहाँ पर ओएस में। इसी के साथ आपको मिलने वाला है मटेरियल यू का फीचर, जिसमें कि आप अलग अलग तरह के स्कीम वाला आप यहां पर कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिलने वाला है, यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग आप भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैनर, इसमें आप किसी भी क्यूआर कोड को काफ़ी ईजी वे में स्कैन कर सकते हैं। इसी के साथ क्लिप बोर्ड पर भी मिलता है, जिसमें कि किसी भी टेक्स्ट को आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट करने से पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, और उसके बाद आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो जो कि यह काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर आने वाला है। मीडिया कंट्रोल होने वाला है, यानी कि म्यूजिक हो वीडियो हो उन सबको आप ऊपर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। लाइव कैप्शन का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि YouTube वीडियो के जो लाइव कैप्शन होते हैं उन सबको आप मैनेज कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों और कई सारे यहाँ पर फीचर आने वाले हैं जो कि जल्द ही इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये रहे कुछ की फीचर। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन या फिर आइडिया मिल चुका होगा कि नथिंग ओएस 1.5 जो कि एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है, उसमें क्या कुछ नए फीचर मिलने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर कस्टमाइज होने वाला है नथिंग ओएस 1.5। तो मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए।